दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 65 नेशनल फिल्म अवार्ड विनर लिस्ट की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो SSC का कर रहे हैं, या बैंक का कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के तौर पर एक फिल्म फेयर अवार्ड से जो करंट इवेंट होता है उससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के लिस्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे तो उससे आपको एक नंबर या दो नंबर कोई भी एग्जामिनेशन में जरूर 100% सिक्योर कर लेंगे। तो बेसिकली ये फिल्म फेयर अवार्ड 65 इस साल जो फिल्म 2017 में परफॉर्म हुआ था उसके द्वारा रिव्यू करके हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो मई 2018 को दिया जाएगा, बट देने से पहले लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सबसे मेन अवार्ड होता है जो हर एक एक्टर को, एक्ट्रेस का जो भी भागीदारी होते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, मीन्स इंडिया के कोई भी कोने से फिल्म की प्रकाशित हो, तो इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से विनर हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके विनर का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अवार्ड का यहाँ पे देख रहे हैं, अवार्ड का नाम कॉलम है, उसके बाद नाम है, यहाँ पे मूवी का नाम है। तो क्वेश्चन कोई भी कुछ भी आ सकता है कि दादा साहेब फाकरे अवार्ड 2017 में किसको दिया गया है, तो दिया गया है विनोद खन्ना। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो है जयाराज, जो भयानाकम जो मलयालम फिल्म है। तो ये आप लैंग्वेज भी याद रखें, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देख सकता है कि इस मूवी का नाम दे सकता है वो कौन सी लैंग्वेज में है, जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो आपको मलयालम आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं बेस्ट फ्यूचर फिल्म, वो है विलेज रॉकस्टार, वो असमीज लैंग्वेज में रिलीज है। बेस्ट एक्टर का जो है वो रिधि सेन है, नागर कीर्तन बंगाली है। बेस्ट एक्ट्रेस का है वो है श्रीदेवी, जो हमारे बीच में अभी नहीं रही, कुछ ही दिन पहले चल बसी है, उनको मूवी मॉम के लिए दिया गया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फाहद फसी का, जो तोम्बिनल्लम दिस्कुनियम के लिए दिया गया है, जो कि एक मलयालम मूवी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का है दिव्या दत्ता, जिसका मूवी है इरादा या बाहुबली 2 है। वो बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का जो मूवी है उसको अवार्ड मिला गया है, बाहुबली 2 तेलुगु। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड गणेश आचार्य, टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म फ्रॉम नेशनल इंटीग्रेशन वो है थापा मराठी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म वो है पॉपुलर फिल्म बाहुबली 2। तो आप पॉपुलर फिल्म वैसे भी बाहुबली 2 हुआ था, तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ द डायरेक्टर पाम्पापली ओ सिंजा, जो जसारी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू ये है आरुकरम, मलयालम मूवी है। तो मलयालम देख रहे हैं कि इस साल काफ़ी मूवी ने अवार्ड जीता है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बनीता दास, वो मूवी का में विलेज रॉकस्टार असीमीज मूवी का ये एक्टर है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म वो है मोरखिया, जो मराठी मूवी है। बेस्ट सिनेमाग्राफी का निखिल एस प्रवीण, जो बन्याकम मलयालम मूवी का है। बेस्ट साइड इफेक्ट वो है बाहुबली 2, जो तेलुगु मूवी में रिलीज हुआ है। स्पेशल जूरी अवार्ड वो है नागर किरण, जो बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुआ है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का है गिरधर झा। स्पेशल मोमेंट ऑफ फिल्म क्रिटिज्म का है सुनील मिश्रा ऑफ मध्य प्रदेश। बेस्ट फिल्म एंड ऑन एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन वो है इरादा, जो कि एक हिंदी मूवी है। बेस्ट रीजनल फिल्म का जो अवार्ड गया है वो फिल्म के नाम है न्यूटन, वो हिंदी में है। टू टॉयलेट वो तमिल में है। गाजी है वो क्या है तेलुगु में है। म्यूजिक कैटेगरी में बेस्ट लिरिक्स का जो है वो मथुरा रतन मार्च 22 को रिलीज हुआ है, वो कनाडा में है।
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान कतरू वेलियारा तमिल में इसको मिला गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का ए आर रहमान और मोम हिंदी में। तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का शशा त्रिपाठी जो है वेन ब्रोना फ्रॉम कर्तू वेलियम तमिल मूवी का है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर यशुदास जो कि मूवी का नाम है पोएम महाराजा कलम फ्रॉम विश्वरूपा एम मंसरूम जो एक मलयालम मूवी है। तो ये बेसिकली एक 65 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का ये लिस्ट था। तो इस लिस्ट को आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन का प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।